नमस्कार, मैं भाषा न्यूज़ क्लिक की टीम के साथ इस समय हम मुरादाबाद में शिवपुरी बस्ती में हैं। यह अंबेडकर नगरी है, वाल्मीकि बस्ती है और इस पूरी बस्ती को देखते हुए बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह का विकास यहाँ हुआ है। दो रेल लाइन के बीच ये बसी हुई बस्ती है जहाँ गंदगी का अंबार है, सुअर पूरी तरह से घूम रहे हैं और जिस तरह से स्वच्छ भारत का नारा पूरे शहर में दिख रहा है उसकी असलियत यहाँ पता चलती है। सबसे बड़ा सवाल कि जो वाल्मीकि समाज है, जो सफाई कर्मचारी समाज है, वह क्या मुद्दे रखना चाहता है, वह कैसे देख रहा है। एक तरफ इस शहर ने देखा है, इस भारत ने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, फूल वर्षा करते हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलित के घर जाकर खाना खाते हैं। यह सारी चीज़ें क्या समाज में एक असर डालेंगी? वोट, उनका जो मतदान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिला है, वह कितना असर दिखाएगा इन तमाम मुद्दों पर? सबसे पहले बात तो यह है, बीजेपी का पार्टी का मैं भी थोड़ा झूठ मूठ का कार्यकर्ता भी हूँ। और दूसरी बात यह रहा सवाल विकास बस्तियों का, जैसे उन्होंने वो चलाया था क्या नाम है शौचालय का भी, तो शौचालय मैंने अपने खुद नीचे अपने बनवाया। सरकार ने पैसा दिया आपको? नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। मैंने अप्लाई भी करी थी, बताई करी। और दूसरी बात विकास की बात, आप ये देखिएगा कि आप यहाँ देखिए नाली नाले और यहाँ तक के ये देखिएगा कि पानी का निकास नहीं है। ये अम्बेडकर बस्ती है, अम्बेडकर बस्ती के जो बस्ती का पानी होता है वो कहाँ को जाएगा, किधर को जाएगा? जितने भी कार्य हुए हैं आज तक केवल कागजों में, कागजी कार्यवाही हुई है, केवल अमल एक भी पॉइंट पर नहीं किया गया है, खास करके वाल्मीकि समाज को। चूँकि जैसे भाई बता रहे थे अभी, हमारे समाज के लोग अगर किसी मकान के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी कर दी जाती है। फार्म भरा जाता है, वहाँ पहुँचता भी है लेकिन वो कूड़े में जाके गिर जाता है। तो यहाँ पर बहुत कंजस्टेड एरिया है, ना तो यहाँ का पुल तैयार हुआ, आए दिन यहाँ पर जो हैं हत्याएं होती रहती हैं। अभी पीछे हाल में एक वृद्ध महिला जो है ट्रेन से कटकर ख़त्म हो गई। अभी सबने बताया क्या बीजेपी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। कुछ उन्होंने देखिए, हर किसी सरकार में ऐसा होता है कि थोड़ी सी कुछ तो होता ही है, हर सरकार में होता है। ऐसे काम भी बीजेपी ने करे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जो हर किसी दलित को, दलित के लिए घर में अच्छा है। आज हमारी बहन बेटी अगर निकल कर आती है घर से तो वो सुरक्षित आती है। लेकिन आप भूल गए, मनीषा कांड तो यहीं पर हुआ और अभी बुंदेलखंड में हुआ, कल आगरा में हुआ। जी मैंने आपको बताया कि वो अगर सरकार में हो रहा है तो क्या उन्होंने एक देखिए यही एक बात को खाली आप पांच चीजें बताइए जो समाज के लिए और आपकी बस्ती के लिए अच्छी हुई पिछले 5 साल में या 7 साल में या 10 साल में। देखिए मेरा नाम विजय वीर वाल्मीकि है और मैं सोशल वर्कर हूँ मुरादाबाद में एसके की तरफ से। और जो है हम लोग यहाँ पर जो अपने कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, काफ़ी जो जो हमारी कम्युनिटी की समस्याएँ हैं उन मुद्दों को उठाते हैं हम लोग। और जो हमारा सफाई कर्मचारी जो वर्ग है उसमें जो भी सरकार चली उसमें इस वर्ग के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लोग जो हैं 7:30 पे पहले काम करते थे और आज भी 7:30 के में ही 7,500 जी हाँ उसके में ही उन सैलरी पे आज वो लोग काम कर रहे हैं। उन्हें अभी तक ना तो परमानेंट किया गया है और ना शासन स्तर से उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। 7,500 रुपये मैम, 7,500 आज हमारे जनपद मुरादाबाद में कर्मचारी को मिल रहा है। 7,500 में एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करता, ये आप ही भली भांति परिचित है और मोदी जी परिचित हैं, मोदी जी योगी जी भी परिचित हैं कि 7,500 रुपये में किसी कर्मचारी का या किसी परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। मैं इस उत्तर प्रदेश की सरकार और इस केंद्र में चल रही सरकार माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि 7,000 में क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? और आपने जो ये महंगाई कर दी पेट्रोल, चलो उनके घर में बाइक तो होगी नहीं, कार तो बहुत दूर की बात है, जो सफाई कर्मचारी है उनके घर में कार तो बहुत दूर की बात, बाइक भी नहीं होगी। और आप सर्वे करके देखिए, ऐसे बहुत से परिवार होंगे जिनके वहाँ बाइक नहीं होगी जो सफाई का काम करते हैं सुबह उठ के। हम बात करते हैं क्योंकि वो खाते हैं तो तेल रिफाइंड और तेल सरसों का तेल, आज की डेट में 200 रुपये किलो है सरसों का तेल। अब आप मुझे बताइए 7,500 रुपये में वो अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे पाए तो ये कहते हैं कि ये दलित हैं, ये तो नीच जात के हैं, ये
मतलब ये बिल्कुल मैनर्स नहीं है इन लोगों में। कह देते ना, एक मुहावरा चल जाता है कि ये लोग मैनर्स नहीं है, लोग नीच जात के हैं। तो 7,500 में वो अपने बच्चे को कहाँ से ऊंची जात का बनाएगा, कहाँ से एक इक्वलिटी लाएगा, समानता का करेगा। मैं भी एक सफाई कर्मचारी हूँ, शीपर भी हूँ, मैं 7,500 का कमाने वाले व्यक्ति हूँ। 7,500 में व्यक्ति का कमाने वाला आज मेरे बच्चे शिक्षित नहीं है खुद के। मेरा बेटा मुझसे भी थोड़ा ऊंचा भी हो चुका है, लेकिन मैं उसको भी नहीं पढ़ा पाया। क्यों नहीं पढ़ा पाया? मेरे हालत ऐसे थे कि 7,500 में कि अपने बच्चों का खर्चा चलाऊंगा, या हारी बीमारी दुख परेशानी जो भी है अन्य व्यवस्थाएं वो कहाँ से पूरी करूँगा। और अगर वो चाहे कि सफाई का काम छोड़कर किसी प्राइवेट महकमे में भी लगे जाकर, तो वहाँ पर भी तनख्वाह कम ही होगी, जाहिर सी बात है। 10,000 से ऊपर तो तनख्वाह होगी नहीं प्राइवेट में। ये बताएं कि अभी जो चुनाव होने वाला है, आपके यहाँ मुरादाबाद में सेकेंड राउंड में चुनाव है, वोट है यहाँ पर, तो क्या माहौल लग रहा है, क्या मुद्दा है आपका, क्या मुद्दा है, आपको सरकार से कहना चाहती हैं? जी, मैं सरकार से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जो पुरानी पेंशन है वो हमें मिलनी चाहिए। और जब महंगाई का ये सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, घर की सामग्री इतनी महंगी हो गई है, सब थोड़ा ये सस्ता कर दिया जाए, वरना आम आदमी क्या करेंगे। ये बताएं, योगी जी ने काफ़ी पोस्टर बैनर लगाए हैं कि बहुत लाखों नौकरियां दी हैं, इस पूरे बस्ती में आपको दिखाई दिया किसी को नौकरी मिली है? नहीं जी, जब हमारे आदमी को ही नहीं मिली तो हमें ये लग रहा है किसी को ही नहीं मिली होगी। हमारे तो गरीब आदमी, हम तो बिल्कुल ही बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश की धरती में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम मतदाता किधर जाएगा, किस पार्टी का दामन थामेगा? क्या योगी आदित्यनाथ का जो पिछला 5 साल रहा है उसने उसे इस तरह परेशान किया है कि वो समाजवादी पार्टी और रालोद का जो गठबंधन है उसके पक्ष में जाएगा, या बसपा के पास जाएगा, या ओवैसी के पास जाएगा? बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आने वाला है इस इलाके में, मोरादाबाद डिवीज़न में ख़ासतौर से, जिसमें के रामपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा और मुरादाबाद ज़िले आते हैं। यहाँ पहले भी समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट किया है मेजोरिटी ने। यहाँ पार्लियामेंट के 2019 के इलेक्शन में भी मेजोरिटी वोट समाजवादी गठबंधन के फेवर में गया है, और अब भी कोई बहुत बड़ा चेंज इसलिए नहीं आ रहा है कि योगी जी की सरकार जब से बनी है, योगी जी ने मेरी समझ से हिंदू कार्ड को बढ़ावा दिया है यूपी में, और उन्होंने हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास किया है, जिसके रिएक्शन में मुसलमान इकट्ठा हुआ है और मुसलमान एंटी बीजेपी वोट करने की सोच रखता है। यही वजह रही यहाँ गठबंधन की सीटें जीतने की पार्लियामेंट में, 4 सीटें जीत के गई हैं इस मुरादाबाद डिवीजन से पार्लियामेंट में गठबंधन की, अमरोहा से बसपा, मुरादाबाद से सपा, रामपुर से सपा, संभल से सपा। इस बार भी इलेक्शन का माहौल कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो समाजवादी के फेवर में जाएगी, क्योंकि बीजेपी का इतना खौफ उस पर सारी है, बीजेपी का इतना डर उसके दिल में समा गया है कि वो कुछ और महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, किसी और चीज़ का मुद्दा वो सोचने को तैयार ही नहीं है। वो यहाँ पर बसपा का भी दबदबा रहा है, ओवैसी भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और अक्सर ये हमने देखा है कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं वहाँ पर वोट डिवाइड होता है। देखिए, जहाँ ओवैसी का ताल्लुक है, ओवैसी साहब की पार्टी अच्छा कर रही है, मुस्लिम के दिमाग पे एक असर छोड़ती है, छाप छोड़ती है, सुनने भी जाते हैं ओवैसी जी को, ख्यालात अच्छे हैं उनके, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है वो उनको पसंद भी करता है, जो यंग जनरेशन है उसमें भी एक अच्छी मेजॉरिटी ओवैसी को पसंद करती है, लेकिन जहाँ कुल मिलाकर के एंटी बीजेपी वोट करने की बात आ जाती है, माहौल बनता है, वहाँ पर वोट होना मुश्किल है। जो गैदरिंग इकट्ठी होती है उनको सुनने के लिए या उनसे हम ख्याल है, वो उनको वोट नहीं करना चाहेगी, मेरी अपनी ये समझ है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो ये तो पक्का 100 से 102% कह सकता हूँ कि योगी जी यहाँ पे नहीं आएंगे। क्या आपको लगता है योगी सरकार पिछले 5 साल में कैसे आप देखते हैं, क्या वह वापस आ रही है या बदलाव होगा? मुझे तो बदलाव लग रहा है इस बार। ये पूरी की पूरी बस्ती 2 रेल लाइन के बीच में है, इस रेल लाइन को क्रॉस करते हुए कई लोगों की जाने गई हैं। तमाम सालों से यहाँ पर लोगों की मांग रही है कि कम से कम विकास के नाम पर यह सुरक्षा यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पीछे जो बस्ती है जहाँ पर हम अभी गए थे, वहाँ पर जो समस्याएं हैं वह एक बात बहुत साफ कह रही हैं कि नीतियों में जो जातिवाद है,
नीतियों में जो भेदभाव है वह किस तरह से जिंदगी को बिल्कुल मुश्किल कर देता है, बदबूदार कर देता है। यह कहानी बहुत अलग ढंग की है जिसकी छाप हर जगह दिखाई देती है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा किस तरह से ये मुद्दे बन सकते हैं, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है।